जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में लद्दाख की गलावन घाटी में चीनी सेना के साथ हुए हिंसक भिड़ंत में हमारे एक अफसर और दो भारतीय जवान शहीद हुए। चीन द्वारा भारत पर हमले के इस दुस्साहस के विरुद्ध में जिलाध्यक्ष कांग्रेस कवर्धा नीलकंठ चंद्रवर्षी के नेतृत्व में कांग्रेस जन ने चीनी झंडे जलाकर पुतला फूंका एवं हमले में हुए शहीदों को नमन करते हुए चीन के इस दुष्कृत्य के लिए विरोध जताते हुए कहा कि चीन अपने हद से बाहर जा रहा है, क्योंकि ऐसे हिंसक घटने को अंजाम दिया जा रहा। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाइना मुर्दाबाद, चीनी सरकार होश में आओ के नारे लगाए। साथ ही जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि चीन के इतने बड़े हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं, यह हमारे देश के लिए अत्यंत निराशाजनक बात है। कवर्धा शहर अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार चीनी सामानों की खरीदी बंद ना कर उसे बढ़ावा दे रही है। ऐसे में हमें चीन का पुतला दहन करने के साथ ही साथ चीनी सामान का भी बहिष्कार अत्यावश्यक रूप से करनी चाहिए, जिससे उनको अपनी गलती का बोध हो सके। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आकाश केसरवानी ने कहा कि चीन हमारे देश को क्षति पहुंचाते आ रहा है, अब ऐसे में मोदी द्वारा कोई कार्रवाई ना होने से देश की जनता और साथ ही देश के जवानों को निराशा का सामना करना पड़ रहा। ऐसे समय में हमारे सुरक्षा मंत्री को चीन के खिलाफ कार्रवाई कर देश को सुरक्षित कर आम जन को निश्चिंत करना होगा। पुतला दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी ने मास्क एवं सुरक्षा का इस्तेमाल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।